20 years old now. तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मतलब मेरे भी मतलब शादी वादी के बारे में सोचने की एज हो चुकी है. नहीं. Anyway, so I have literally कोई accent आ रहा था अपना. So I've literally planned my wedding. Please don't tell me I'm the only one who has done that. Anyway, so I've literally decided कहाँ शादी करनी, किस किस को बुलाना है. Annoying cousin बटिंडे वाली, उसको नहीं बुलाना है. क्या खाने में रखना है, क्या पीने में रखना है. And everything has been decided. Just one thing is left. I have not decided who I want to get married to. हाँ, वो भी थोड़ा important होता है. Now there are two ways to go about that. Either I can go for an arranged marriage. Or I can go for a प्यार मोहब्बत इश्क मम्मा सुन तो नहीं रही ना. Love marriage, प्यार जो तुम्हें कभी नहीं होगा. Now arranged marriage, उसका सीन I'll tell you how it is. तुमसे खुद से कोई लड़का या लड़की नहीं पटती है तो तुम अपनी मम्मी पापा को कहते हो कि प्लीज मेरे लिए लड़की पटा दो नहीं ढूंढ दो. सो इट्स बेसिकली यू आस्किंग योर पेरेंट्स टू फाइंड यू अ सूटेबल गाय और अ गर्ल टू गेट मैरिड टू. बट पता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज्ड मैरिजेस हैज इवॉल्व इन प्रीवियस डेज. पता है इंग्लिश नहीं आ रही है आगे की, तो हिंदी में कंटिन्यू करूंगी मैं. ओके, पुराने जमाने में पता है शादी कैसे होती थी. फोटो देख कर होती थी. बेटा मैंने तेरी शादी फिक्स कर दी है. नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती. क्यों नहीं कर सकती? अरे उसके पास अपना घर है, गाड़ी है, पैसा है, नौकरी है, और उसको ना तेरी फोटो भी पसंद आ गई है. क्या फोटो पसंद आ गई? Concept. I mean, I cannot get married to someone jiska package I have not seen, if you know what I mean. ये तो हो गई पुराने जमाने की फोटो वाली बात. उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आया कि पेरेंट्स आपस में वाया और मीडिएटर इंटरैक्ट करते हैं. पता चलता है लड़का इंटरेस्टेड है, लड़की इंटरेस्टेड है, तो लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं. जी अब हम लड़की को बुलाते हैं. देवेशा जरा चाय लाना. तो चाय अच्छी बना लेती हो. Oh my God, that is so awkward. Even if I decide to get an arranged marriage, I can't do shit like this in slow motion में लड़के के सामने चाय ला करके रखना. I can't do that. I am the kind of person जो बोलेगी साले तू उठ, तू जा चाय बना के ला, मेरे को भी पिला, अपने मम्मी पापा को भी पिला, मेरे मम्मी पापा को भी पिला, because सारी जिंदगी हम तुमसे चाय बनवाएंगे. Will you marry me? Anyway, but आजकल let me tell you what, arranged marriages भी बहुत cool हो गई हैं यार. My mom literally created a shaadi.com account. वो account वो खुद operate करती, date fix करते रहती है. देविशा सुन, ये वाला लड़का थे 28 years old का है, doctor है, surgeon है, सरदार है और जीके में रहता है. इससे बात करना. खैर ये तो हो गई अरेंज मैरिजेस की बात. Now we are gonna talk about love marriages. And you guys know what love marriages are. 3-4 साल से you know a guy, उसकी family, वो क्या काम कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, उसको manipulate कैसे करना है, how good he is in bed. You know everything about him. And you want to spend the rest of your life with him and you've decided that. Now the step comes जब तुम्हें अपने parents को बताना है उस बंदे के बारे में. It's like telling your parents, Mom, Dad, 3-4 साल से आपको आइडिया भी नहीं लगा कि मैं ये बंदा घुमा रही थी and you think I am पवित्र, but guess what? I am not. Mom, I need to talk to you. हाँ बोल. What happened? I have a बाल तोड़ बम. No, Mom, I have a boyfriend. अवॉइड करने के लिए कुछ लोग पूरा लव मैरिज का प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं. आई हैव सीन पीपल लाइक दैट. सो दैट इज द वीडियो यू गाइस. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस एंड व्हाट डू यू प्रेफर? प्लीज लीव दैट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड गिव माय वीडियो बिग थम्स अप. एंड यू नो
what to do. Click that subscribe button. Kar do, please. Mujhe 10,000 subscribers karwa do, please.